नमस्कार आप सभी को। लाइब्रेरी चंबासा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हमारे क्लिनिकल लाइब्रेरी चंबासा सत्र में आज सबसे पहले कुछ संवेदना व्यक्त करेंगे आयुर्वेद के दो प्रमुख मनीष प्रोफेसर रामहर सिंह सर। इनका बड़ा नाम था, जिनकी बहुत सारी किताबें हम लोगों ने पढ़ी और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया हाल में, आप सब जानते होंगे। ऐसे आयुर्वेद के प्रणामधन्य ख्याति प्राप्त प्रोफेसर राम सिंह सर, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि सर से मेरी मुलाकात एक बार मैं दर्पण के मैगजीन के साथ में हल्द्वानी में, मैडम शायद यहाँ वंदना पाठक मैडम शायद नहीं है, तो याद हो या ना हो मैं नहीं कह सकता। एक बार जो है मौका मिला था मुझे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे सर विनय पाठक सर, तो मैं हल्द्वानी गया था। मैं हल्द्वानी गया था तो वहाँ पे प्रोफेसर राम हर सिंह सर से हमारी मुलाकात हुई थी और राम हर सिंह सर से मुलाकात में उन्हें पत्रिका की अपनी कृति दी थी। तो आज प्रोफेसर राम हर सिंह सर, क्योंकि काय चिकित्सा की बहुत सारी पुस्तकें हमने पढ़ी होगी, साथ में प्रोफेसर जी पी दुबे सर, दोनों ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए और दोनों का ही काफी आयुर्वेद संकाय में भी काफी नाम है। भले इनसे पढ़ाई नहीं करी हो उनसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने इनकी किताबें लिखी हुई किताबें पढ़ी, हमने कहीं ना कहीं उनकी पुस्तकें पढ़ी होगी काय चिकित्सा की अलग अलग। तो आज हम अपनी श्रद्धांजलि इन दोनों ही आयुर्वेद के विद्वान चिकित्सकों देते हैं। सर का कुछ समय पहले मैंने चित्र देखा था, प्रोफेसर डी एस तोमर सर ने शेयर किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, और तो कमजोर नजर आ रहे थे। ये हमारे गुरु प्रोफेसर निगम सर के ही सम के सर थे, तो इस बात का दुख है, पूर्णीय क्षति है आयुर्वेद परिवार के लिए। सभी संवेदना व्यक्त करते हैं और मैं पे हमारा जो चूंकि का विषय है क्लिनिकल भाषा चलती है, इसमें हम लोग भी चिकित्सक हैं। आज हम लोग आत्मा की शांति के लिए और भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, इस एक के साथ आज की संभाषा प्रारंभ करते हैं। आवाज आपको आ रही होगी, आप सभी को मुझे उम्मीद है। तो बैरी जी आदित्य झा जी तो देवी हरिहर जी तो कर पा रहे हैं अपने आप की ठीक हाँ सर, आवाज तो आती है पर थोड़ी कम आती है, बीच में है, टूट कम आती है, जाती प्यारी आवाज अच्छी। आज जो है हम आपको थोड़ा सा यही बताएंगे कि काय चिकित्सा विषय में उनकी लिखी हुई पुस्तक हमने आपने सबने पढ़ी होगी। तो आज हम मैं स्वयं भी एक काय चिकित्सक हूँ, मेरा चंडी जो का विषय काय चिकित्सा ही रहा है। राम हर सिंह सर की काय चिकित्सा की अलग अलग पुस्तकें आपने पढ़ी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक बहुत किताब की जो एक थोड़ी सी बात करें, किताब में एक सबसे अच्छी चीज जो आपको मिलती है आप अगर मौका मिले तो आप पढ़िएगा। आज उनको आज यही उनके लिए श्रद्धांजलि है, हम उनकी याद करें। तो आयुष दर्पण की डिजिटल ऐप पर उनकी काय चिकित्सा की पुस्तक उपलब्ध है, मैं प्रयास करता हूँ कि आपको पुस्तक शेयर करूँ। अगर मेरा नजारा देता है मैं उसको शेयर करने का प्रयास करूँगा।
चिकित्सा में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हेतु की व्याधि का निदान कैसे करेंगे आप, प्राप्ति कैसे बनाएंगे, फिर व्यवस्था पत्र कैसे होगा चिकित्सा का, ये सर की पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से आपको मिल जाता है। और अलग अलग रोगों के बारे में मॉडर्न एस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात यह है उसका आधुनिक ज्ञान से क्या उसका कोरिलेशन हो सकता है, क्या उसका क्या कैसे कोरिलेट किया जा सकता है मॉडर्न मेडिसिन से, ये सब चीजें उसमें मिलती। जी, आप सभी ने पढ़ी होगी और बहुत अच्छी, बहुत सारी पुस्तकें उनकी है सर। कुछ हमने कहा चिकित्सा की पुस्तक के बारे में ही हम ज्यादातर हमने पढ़ा है, तो अलग अलग रोगों के बारे में उनका जो एक बताने का, लिखने का और समझाने का तरीका है वो काफी अच्छा रहा। पर बीएचयू में थे, बनारस विश्वविद्यालय में थे, जानकारी है क्योंकि मेरा एक मित्र है वहाँ पे, वो उनके रिटायर होने के बाद वही वहाँ पे दिखता है मेरे साथ का ही ऋषिकुल अजय पांडे, वो चिकित्सा की ज्योति है वो हाँ बहुत अच्छी चलती है, और वो सर की ओपीडी भी उनको बाद में डॉक्टर पांडे को मिल गई, वो हमारे बैचमेट रहे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको याददाश्त ताजा कराने के लिए प्रयास करता हूँ कि हमने पुराना एक दर्पण था, एक मैगजीन का आम को मैं भेंट किया था, मैं देखता हूँ कि उसको मैं आपके समक्ष शेयर कर पाऊँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ, मैं दर्पण के हमारे प्रोफाइल में पड़ा रहता है, हर समय ऐसे को जरूर सहयोग रखते हैं। और हमारे पास में इस तरह के बहुत सारे, हमने एक सेमिनार हुआ था, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इसलिए मैं याद कर रहा था वंदना मैडम का, वो मैं उस सेमिनार के लिए कुछ हल्द्वानी गया था, मैं गया था तो उस हल्द्वानी में प्रोफेसर रामहर सिंह सर आए थे, और रामहर सिंह सर का बहुत सारा वहाँ पे उनसे मेरे प्रेजेंटेशन था वहाँ पे, मैडम वंदना अभी है नहीं तो याद करके मैं वो फोटो भी शेयर कर देता जो मेरे पास है, फोटो शेयर करने का प्रयास करता हूँ आपको, जो कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि अपने सेमिनार में सर को प्रस्तुति आयु दर्पण की और काफी वार्तालाप हुई थी हमारी, तो ये हम यादगार है, एक यादगार है ऐसे, बहुत कल ही मैंने बात की थी आपके सामने, ऐसे ही हमारे ही प्रोडक्ट थे कायचिकित्सा के जो नेपाल से ऋषि राम कुबेराला से, उनका भी चला जाना एक अपूरणीय क्षति, कायचिकित्सा के बड़े विद्वान और बहुत ही काफी नामी व्यक्ति थे, काफी नामी व्यक्ति थे, धीरे धीरे ये मतलब ये कहेंगे कि भाई संसार में आना जाना तो लगा रहता है, पर ये कुछ लोग अपना जो काम करके जाते हैं, जो कुछ दूरों के द्वारा की त्रुटियां होती हैं वो याद रह जाती है हमारे मन मस्तिष्क में, वो हमें याद रह जाती है, और वही इसलिए कहते हैं कि आपको अपना काम जरूर करना चाहिए कि आपका जो काम है वही आपको नाम दे, कर रहे हैं ना रहे हैं, अब वो आज है नहीं है, तो उनकी जो लिखी हुई पुस्तक है, जो उनकी पुस्तक है वो निश्चित रूप से हमारी यादों में हमेशा रहेगी, हम जब भी पढ़ेंगे उनको तो उनके उनका याद हम करेंगे। चिकित्सा विषय में जब भी किसी भी विषय में चाहे प्रोफेसर राम सिंह का नाम आएगा, और निश्चित रूप से पद्मश्री से सम्मानित होने का मतलब ये होता है कि उनके द्वारा जो आयुर्वेद में आयुर्वेद की ये जो काम किया गया है वो बहुत बहुत ही यूनिक काम था, ये पद्मश्री दिया गया, पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया, हम इस तरह से उनको याद करते हैं। उनकी पुस्तक हमने पढ़ी, चिकित्सा में
बहुत सारे लोगों ने स्टूडेंट्स तैयार किए होंगे, कई ऐसे एमबी स्टूडेंट्स मेरे, मैं जहाँ ओपीडी में बैठता था वहाँ जसप्रीत प्रीत सिंह सोनी थे, याद करना चाहता हूँ वो भी उनके वही डॉक्टर अजय पांडे जिनका मैंने नाम लिया, वो भी यही स्टूडेंट रहे जो अभी वहाँ का चिकित्सक ओपीडी देखते हैं। मैंने कहा ये है कि हमारा जो काम है उसमें हमेशा याद रखना, यानी दुनिया में आना और जाना तो लगा रहता है, पर जो आपने काम किया, जो आपका काम है, जो आपकी कृतित्व है, जो आपकी एक आपने जो आयुर्वेद के छात्रों को जो एस्टेब्लिश किया, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को जो समझाया, जो बताया, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप में से कोई भी आई चिकित्सक उनकी पुस्तक पढ़ के कोई बताना चाहे तो आप बता सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगा रोज करते हैं, क्योंकि हमारी समाज हर शिष्य के निर्माण में गुरु का बहुत भी होता है, क्योंकि मैंने कल कहा था कि आप सारे ऋणों से पूर्ण हो सकते हैं सिवाय मात्र ऋण की, तो कैसे ऋण हो सकते हैं, तो हमने कल कहा था कि आप ज्ञान देवी ऋण हो सकते हैं। मैं इसलिए जब मैं जब एमडी कर रहा था तो हमारे गुरु प्रोफेसर निगम सर थे, प्रोफेसर निगम सर कहते थे कि सर रामहर सिंह सर के इतने पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, इतने पेपर्स उनके निकल चुके हैं, तो एक प्रकार से बहुत पॉजिटिव एक एटमोसफेयर था जिससे कि हम लोगों को भी पेपर लिखने के लिए वो काफी प्रोत्साहित करते थे। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जीवन में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैंने जो आयुष दर्पण शुरुआत की कोविड के समय में, कोविड के समय में हमारे पास माध्यम नहीं था पढ़ाई का लिखाई का, कुछ भी नहीं था, नथिंग। हम सब ने जो है एक प्रयास किया कि हम किसी तरह से एक प्रकार से हम अपने आप को जोड़ पाए लोगों के साथ में, और हमने ये प्रयास आयुष दर्पण के माध्यम से किया। निश्चित रूप से इसमें भी कहीं ना कहीं किसी ने हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, हमारे गुरुजनों की प्रेरणा, उनका कृतित्व हमें हमेशा प्रेरित करता है, मैं तो इस बात को मानता हूँ। जब आप पॉजिटिव काम करते हैं तो फिर आपको रास्ते भी मिलते चले जाते हैं। मैं आज केवल आपको यही सब बातें बताऊंगा, आज हम अपना जो संभाषा है आज का हमारा ये उद्देश्य भी यही रहेगा कि हम उनको याद करें, और हाँ अगर हमारे पास कोई उनके बारे में कोई बताना चाहे कुछ, अगर कोई उनके शिष्य हमारे साथ संभाषण में जुड़े हुए हो, मैडम वंदना मैडम को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ही मेरी जो उनसे पर्सनल मुलाकात थी वो हल्द्वानी में हुई थी, जब डॉक्टर विनय पाठक सर वहाँ वाइस चांसलर थे और वंदना मैडम की शायद मुझे नहीं पहचानती थी, मैंने बाद में उन्होंने मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर उन फोटोग्राफ्स देखा तो शायद ध्यान आया कि मैं पानी में मिल चुका हूँ। तो इस वक्त प्रोफेसर रामहर सिंह सर वहाँ पे इन्वाइटेड थे और मेरा भी रहा गया था, फिर मैंने वहाँ पे उनको एक पुस्तक अपनी पाई जब मैगजीन है एक रकीन मैंने उनको दी, तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम करते हैं वो भविष्य में हमारे लिए यादगार होता है। जो आयुष दर्पण का जो प्लेटफॉर्म है, आज आप यहाँ पे अभी हर समय तो आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे, कभी आप भी टीचर बनेंगे, एमडी कर रहे हैं आप में से रूप से, आप एमडी करने के बाद शिक्षक बनेंगे, आपके माध्यम से भी कई लोग पढ़ेंगे ज्ञान लेंगे, तब आपको याद आएगा जब आप आयुष दर्पण से जुड़े और आप आयुष दर्पण से आपने आपके जीवन में कितना महत्व रहा, ये आप कब याद करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसी यादें हैं, मैं बहुत सारी यादों को संजो के रखता हूँ, मैं एक्चुअली वही ढूंढ रहा हूँ प्रोफेसर रामहर सिंह जी फोटोग्राफ्स मिल जाए और मैं उसे शेयर करूँ, लापरवाही ये रही कि मुझे समय से पहले उसको निकाल कर रखना चाहिए था, मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल हम करते हैं कि
कि आज आयुर्वेद जगत पूरी तरह से शोकाकुल है और से शोक घड़ी में यही कह सकते हैं कि हम शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। पढ़ाए हुए बहुत सारे शिष्य रूप से वो भी आज बहुत रंगीन होंगे। उनके पढ़ाए हुए शिष्यों में से कुछ गुरु हैं, मैं जो कुछ के नाम मैंने लिए आपको अभी, तो बहुत सारे लोग तो अब गुरु भी हैं, बहुत सारे लोग काफी सीनियरिटी में काफी आगे आ चुके हैं। बड़ी बात अच्छी बात ये कहते हैं कि दोनों जो अभी दोनों जो दुबे सर और ग्रामर सिंह सर दोनों काफी मित्र थे और एक मित्र थे और साथ में देखिए मित्रता को निभाने का ये भी एक अनूठा एग्जाम्पल है कि दुनिया से गए तो भी एक साथ में है। तो आप में से कोई कुछ अगर बताना चाहे, आज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ कम लोग जुड़े हैं, आज आज हमने अपनी संभाषा को बीएचयू में एचओडी थे, बिल्कुल बीएचयू में चिकित्सा में एचओडी थे, कोई अगर उनकी पुस्तक अगर आप किसी के पास हो तो वो डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस पर किसी विषय विशेष कर तो यही उनकी गांधी होगी। किसी किसी के पास ग्यामर सिंह सर की किताब है तो आप खोल सकते पढ़ सकते हैं, कोई अध्याय कोई चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। के पास है कोई पुस्तक? जैसे सर तिवारी जी प्रणाम आपके सर। पास तो सारी पुस्तकें रहती है, आप देखिए। हाँ सर, मेरे पास बुक है बट मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ और और सर को हम किसके पास तब इस समय में, किसके पास इस समय में कोई पुस्तक है अगर तो और सर को आप हम तब पढ़ मिले हुए सकते थे हैं। जब हम खुद सेकंड प्रॉप में थे, मतलब कॉलेज में आए हुए थे, आपने भी और एक बार संपूर्णानंद से मैं पढ़ा है ना? संपूर्णानंद से हाँ जी पढ़ा हाँ है ना जी आपने? संपूर्णानंद हाँ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पे लगा हाँ ही हुआ है, तो हाँ और एक बार जब बीएचयू गई थी आपने तब भी सर को मिली थी, तब सर का वो था, फिर बाद में सर एनआईए के बने थे जब वाइस चांसलर, तब का वो है मोस्टली शायद ऐसे ही है, फिर बस उसी टाइम सर मिले थे, उसी टाइम एक बार तभी थर्ड प्रॉप में थे तो प्रेमोती तिवारी मैम से मिले थे, मतलब लेकिन तब हम लोग इतने बच्चे होते थे कुछ भी नहीं पता था, बस नमस्ते करके चले आते थे। जी सर बहुत अच्छी बात है। नमस्ते करके जाना भी तो ब्लेसिंग से मिलती है। हाँ, मतलब तब देखा था तो मैम को भी देखा था, तो तब तो मैम मतलब आप प्रेमोती कभी तिवारी पढ़ी मैम को होगी काफी। किताब? को पढ़ हाँ जी देखिए किताब पढ़ना कितना सर, इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी हाँ एक जी सर, पढ़ा वो तो है। आपने बुक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी वो उसको पढ़ना एक सबसे इम्पोर्टेंट। आपने पढ़ा, आप सबने पढ़ा होगा, हम सबने कहीं ना कहीं पढ़ा है, सबने कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी समय में किताब निगम सर जो है वो क्लिनिकल पंचकर्म की तकलीफ होती है, तो हम पंचकर्म की किताब कहना चाहूंगा कि जो हमें जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हमें इस दुनिया में जो करते हैं वो याद किया जाता है, दैट इज रिमेम्बरेबल, वही याद रहता है, चलती है, आना जाना तो लगा रहता है। कोविड के समय में बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लोग, बहुत ऐसा काल था वो जिसमें मैंने पर्सनली वो समय को बड़ा बहुत तरह से देखा। मैं समझ सकता हूँ कि जितना कठिनाई वाला समय था वो, कठिनाई वाले समय में हमने आयुष दर्पण ने इतना बढ़िया काम किया, तारीफ मैं अब उसकी लाइब्रेरी खोलता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये कुछ ईश्वर की ही कुछ जो है अनुकंपा थी जो तरह से काम हुआ। और निश्चित रूप से इसमें हमारे चिकित्सक बंधु और आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे हजारों लेक्चर्स ऐसे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हुए जिनके बारे बगैर ये आयुष दर्पण का ये जो सेशन था ये कभी पूरा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं उनमें रामहर सिंह सर के शिष्य भी रहे होंगे, दुबे सर के शिष्य भी रहे होंगे, जो
कहीं ना कहीं हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनसे सीखते हैं आज भी जीवन में, उनके पद चिन्हों पर चलने का अनुसरण करते हैं हम, और ये हमारी कामना भी रहती है कि हम आगे भी भगवान हमें भी इस तरह की शक्ति काम इस प्रकार से अपना आगे काम करते रहें। और आप सभी से भी हम यही, आप सभी को हमारी यही शुभकामनाएं है कि आप भी हमारे जो एक प्रेरणा स्रोत गुरुजन हैं, सबको देखें, उन सबके कार्यों को सुनिए, इन सबके कार्यों से अपनी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। आप में से देर कभी नहीं होती है, कभी ये मत सोचिएगा कि आपका पीजी में सिलेक्शन देर से हुआ, किसी को कोई ये मत सोचे, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, देर इज नो एज ऑफ स्टडी। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जो मैं पीएचडी करने में एनरोल करने गया था, एनरोल बिना गया था, मैं वहाँ एनरोल नहीं कर पाया, लेकिन मैं वहाँ पे देखा कि 80 साल के व्यक्ति जो है वो पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए आए। तो ये है कि हम जो है वो तो जो है वो कोई सीमा नहीं होती, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आपको ज्ञान लेते रहना चाहिए, ज्ञान अपने आप को हमेशा स्टूडेंट के रूप में, स्वयं को एक स्टूडेंट के रूप में अपने आप को रखना चाहिए। और मैं तो अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ, आई ऑलवेज माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट। और आप लोगों की भाषा में जो आपको चर्चा करते हैं, कई बार आप लोगों के द्वारा जो बताई हुई दवाइयाँ औषधियाँ, उनको बहुत 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 गहराई से हम देखते हैं, सब चीजें चलती रहती हैं। आप में से कोई कुछ और बताना चाहे तो बता सकते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप आज मैडम नहीं है, नहीं तो मैडम तो आपको कुछ बताती, मैडम के सानिध्य में हमने जो है वहाँ पे प्रोफेसर राम हर सिंह नर्स से मुलाकात की थी। मैं उसका चित्र शेयर करने का प्रयास कर रहा था, पर वो अभी पता नहीं, मेरी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि वो हो गया। चलिए तिवारी जी, संभाषा का प्रारंभ करिए फिलहाल, कुछ किसी को है प्रश्न तो पूछिए ना, क्या कोई केस है तो चर्चा करनी है, कुछ बात पूछनी है तो पूछिए, बेटर क्या कोई केस है कोई आज, क्या आज हम लोग केवल जनों की चर्चा ही करें जैसा आप कहें। जी दिव्या जी, अमरूद जी, मैडम अजय, कात्यायन जी, कात्यायन जी, आपकी समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ आप मुझे बताइए। कात्यायन जी आवाज आ रही है आपको? कात्यायन जी बोल ही रहे हैं, लगता है म्यूटेड हैं। कात्यायन जी, आपको आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से रिमूव कर दिया गया था, आप पुनः उसको डाउनलोड करें और पेरेंट कैटेगरी से ज्वाइन करें, आप निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे 100%। ठीक है, तो फायदा ये होगा कि आपको कई सारे आपको जो बुक्स हैं वो मिल जाएंगे, है ना, ये कि बीसी फर्स्ट बीसी के हो। जी वो आपको चर्चा करनी है, कोई डिजीज कोई केस आपको चर्चा करनी हो तो करिए आप, कोई नई चीज बतानी हो बताइए, नई चीज के बारे में, कोई नया डिजीज, कोई नई केस, नया आपका अनुभव हो तो बताइए, तो बताना पड़ेगा ना। जी किसी को कुछ शेयर करना है चलिए नाम सर? चलिए मैं एक चीज शेयर करती हूँ, है तो एस्ट्रोलॉजी का बट हमारे आयुर्वेद से बहुत अटैच्ड है, करिए इसलिए मैं एक चीज बताऊंगी। फेसबुक के माध्यम से भी सारे लोग सुन रहे हैं, जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा फेस पर ग्लो चाहिए या बॉडी में ग्लो चाहिए तो उसके लिए जो मसाज करते हैं, अभ्यंग करते हैं, वो अभ्यंग हमें मंडे को करना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, तो मेरे हिसाब से सारे डॉक्टर्स को भी खुद भी फॉलो करके क्यों देखना करना चाहिए। चाहिए, ये भी और समझाइए हंसी तिवारी की, क्यों करना चाहिए सोमवार एक्चुअली सर, को? ये जो नारद पुराण है ना, तो नारद पुराण में सब सारी चीजों का वर्णन है कि किस दिन ऑयल का एप्लीकेशन होना चाहिए, किस दिन नहीं होना चाहिए। तो वहां पर यह है कि जैसे ऑयल जो होता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी वो शनि का चीज होता है, तो इसलिए संडे को ऑयल लगाना मना होता है। और आप देखेंगे पुराने जमाने में लोग संडे को तेल नहीं लगाते थे, क्योंकि शनि और सूर्य में होता तो पिता पुत्र का रिश्ता है बट उसमें दुश्मनी चलती है, ये एक हमारे गुरु क्योंकि जी थे, आप सब इनको पहचानते होंगे, हृदय रोगों की चिकित्सा में
इनका भी बहुत बड़ा रोल था, इन्होंने हमारे आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस पढ़ाया था। इनके भाई, इनका भी निधन भाई, आयुर्वेद कार्डियोलॉजी में बड़ा इनका नाम था। तो हम अभी जैसे जैसे मुझे मिलता जा रहा है आशीष तिवारी भी आप बताते जाइए, हम वैसे वैसे शेयर भी करते जा रहे हैं। तो इसलिए वजह से संडे को ऑयल नहीं लगाते हैं तो मंडे को, लेकिन ऐसा है कि नारद पुराण में इन सारी चीजों का वर्णन है, तो 3 डेज जो है ऑयल लगाने के लिए बेस्ट है, उसमें मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे। सैटरडे को तो ऑयल इटसेल्फ अप्लाई ही किया जाता है। तो आप जैसे किसी को नॉर्मली हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, खासकर फीमेल पेशेंट आती हैं, या कई बार लोग बोलते हैं मेरे फेस का ग्लो हो गया है, तो उस वक्त जब आप कोई भी अपना चाहे कुमकुम आदि तेल लगाने के लिए दे रहे हो, या कोई और भी मेडिकेटेड घृत ही लगाने को दे रहे हो, कुछ भी फेस पर लगाने दे रहे हो, हालांकि अष्टांग संग्रह का मुझे साफ साफ याद है कि घी के लिए लिखा है कि मेधा और वर्ण्य दोनों ही लिखा है, मतलब फ्रेश काऊ घी जो रहता है तो काऊ घी का अप्लीकेशन वर्ण्य होता है। तो अगर आप घृत का भी अप्लीकेशन करा रहे हैं, चाहे आप तिल तेल का अप्लीकेशन करा रहे हैं, ओरिजिनल तिल तेल हो जो मार्केट में 300 रुपए लीटर मिलता है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ओरिजिनल तिल तेल का अप्लीकेशन करा रहे हो, तो ये सारे अप्लीकेशन अगर आप मंडे को कराते हो तो उससे रिजल्ट आता है। और इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो कि पेशेंट को या किसी भी इंसान को बोलो कि एटलीस्ट 45 डेज करो, 45 डेज बाद मुझे बताना। तो एस्ट्रोलॉजी की जो भी चीजें रहती हैं उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैं दो चार चीजें हमेशा कराती हूँ, मैंने फोरम पर भी बोला है कि अगर एनर्जी के बहुत लो फील हो रहा है तो राम नाम का 5 मिनट जाप करिए, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह फील हो रहा है तो राधा नाम का जाप करो। तो ये सब सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी की हैं, आयुर्वेद से कहाँ पर कितना मतलब बहुत अंदर का मुझे आयुर्वेद का नहीं पता है इसे, बट ये मैंने अपने पेशेंट्स को कराए हैं, रिजल्ट मिले हैं। और अभी ये ऑयल वाला था कंसेप्ट तो इसमें था। और जैसे बहुत सारी चीजों का मतलब बहुत मल्टीपर्पज से करना है तो सैटरडे को ऑयल जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि हम अपने पेशेंट्स को एक अच्छा सा, चाहे कुमकुम आदि तेलम है, चाहे और भी कुछ भी आप बनाते हो उस तेल को, या वर्णकर तेल बना सकते हो, वर्ण गण के कषाय से शुद्ध करके अगर हम घृत या तेल बनाते हैं तो भी पेशेंट को लोकल अप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं और यूज करा कर देख सकते हैं रिजल्ट। तो ये एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जो हम अपने आयुर्वेद में यूज कर सकते हैं, और रेफरेंस चाहिए तो ये नारद पुराण का रेफरेंस है। जी सर, थैंक यू सर। हमने रामहर सिंह सर को अपने आयुष दर्पण की पत्रिका जी सर, जी सर, शेयर देख रहे हैं। की थी, ये माने की बात है शायद 2005 या 6 या 7 की बात है, मैं बता रहा था। वो पीएचडी के प्रोफेसर थे, और और मैं सर को 2003 या 4 में मिली हूँ, वंदना ये मुझे पाठक याद मैडम है। की जो पति विनय पाठक की, वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे हल्द्वानी में। मैं वहां पे प्रेजेंटेशन के लिए गया था, मुझे अभी वहां पे बुलाया गया था गेस्ट स्पीकर के रूप में, और मेरा प्रेजेंटेशन था। मुझे बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं उनके समक्ष मैंने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। प्रेजेंटेशन के बाद में मुझे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर विनय पाठक सर ने सम्मानित भी किया था। शायद मैं नहीं जानता था वंदना पाठक मैडम को, जब कोविड स्टार्ट हुआ था एक बार अचानक से इनके, शायद वंदना मैडम के लड़के ने शायद मेरी फोटो देखी होगी फेसबुक, बताया रहे तो आ चुके हैं, यादों में रहता है चीजें। तो हमने आयुष दर्पण पत्रिका 2010 से निकाली थी। मैं आपको बताऊं कि मैं उन दिनों पिथौरागढ़ में था, दुर्गम क्षेत्र, बहुत क्षेत्र था, वहां से पत्रिका को निकालना, इस पत्रिका को पब्लिश करना, किसी भी प्रिंट मैगजीन को निकालना इतना आसान काम नहीं होता है। आजकल के लोगों को लगता है आयुष दर्पण एक दिन में स्टेब्लिश हुआ, 2010 से उसके खून पसीने से सीखा है। पत्रिका 2010 से लेकर 2014 तक क्वार्टरली आती थी, मतलब हर तीसरे महीने नए पत्रिका को लाने का जवाब रहता था। सहयोग बहुत कम लोगों का मिलता है, ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोग होते हैं, लोग जुड़ते हैं आपके साथ लेकिन सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है। लेकिन हम खुद इसको पब्लिश करते थे, इसको खुद, मुझे याद है कि मैं खुद इसको पोस्ट ऑफिस में बंडल्स ऑफ द मैगजीन मैं खुद जाके पोस्ट करता था। भारत की हर लाइब्रेरी में लगभग 4 साल तक मैंने इस पत्रिका का निःशुल्क वितरण। आज भी ड्राफ्ट आते हैं जो लोगों की लाइब्रेरी में आते, 2014 के बाद इसका पत्रिका का मैंने प्रिंट वर्जन बंद कर दिया। सबसे बड़ा जो समस्या थी, तो समस्या ये थी कि पत्रिका तो आप निकाल लेते हैं लेकिन पत्रिका को डाक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना एक बहुत कठिन था।
डिजिटलाइजेशन के दौर में फिर हमने सोचा कि आपके नई चीजों को एडप्ट करना जरूरी होता है। फिर हमने आयुष दर्पण पोर्टल बनाया, हिंदी पोर्टल और अंग्रेजी पोर्टल में हम जो भी नई न्यूज होती है वो हम अपलोड कर देंगे। तो अभी अब मैंने अभी शशि तिवारी जी आपकी एक बात मेरे दिमाग में आई कि भाई काउंसलिंग होने वाली है, काउंसलिंग के बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अब मैं इस तरह की कुछ वीडियोज बनाऊंगा जो रेगुलरली आपको मिलेंगे, कहाँ कहाँ भी काउंसलिंग हो रही है, कहाँ कहाँ आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह का आयुष दर्पण का एक प्रयास रहेगा। मैं 6-7 महीने मैं थोड़ा सा शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहा, अभी भी बहुत ज्यादा है, बॉडी में पुरानी जैसी एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से ज्यादा ही सक्रिय हूँ मैं पहले से। ये देखिए ये जो फोटो है 13/6/2011 का, यानी यहाँ डेट भी लिखा हुआ है 13/6/2011, यानी 13/6/2011 को ये खींचा हुआ है, यानी ये हल्द्वानी में थे। याद करते हैं खुद से हम प्रयास करेंगे। हमने आज से एक ऐसी रिएक्शन वीडियोस भी बनाना शुरू किया है, वेबसाइट पर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। तो तिवारी जी समस्या ये है कि हमारे यहाँ वेबसाइट पर शो नहीं होता है। मैं आज आपने अभी कहा तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आप लोग क्या करिए, कुछ मत करिए, मैं शेयर करता हूँ आपके समक्ष, आपकी सारी शंकाओं का समाधान मैं आज करूँ। आपको एनसीआईएसएम की वेबसाइट पे जाइए, एनसीआईएसएम मैं अभी खोल के आपको दिखाता हूँ। मैं आपको सारी आज का संभाषण आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बहुत है, खासकर जो हमारे पीजी के जिन्होंने पीजी में सिलेक्शन लिया है या फिर काउंसलिंग के लिए आप समझ रहे हैं। कई बार चॉइस फिलिंग और इन सब चीज़ों के चक्कर में भी कई बार हम अच्छी अपॉर्चुनिटी को, अच्छे कॉलेज को मिस कर देते हैं। तो ऐसे में आपके लिए आज का जो वीडियो है, आज का जो आपका जो आज का जो प्रोग्राम है हमारे किसी तरह, तो आपको मैं अभी एक शेयर करता हूँ। आप यहाँ से बिल्कुल जाइए, सिंपल है, एनसीआईएसएम की साइट पर जाइए। एनसीआईएसएम की साइट पर जाकर के सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको परमिशन स्टेटस ASUSR कॉलेजेस आयुर्वेदा 2023। पहले तो आपने ऐसे लिस्ट ऑफ आयुर्वेद कॉलेज देखिए जिनको इस साल के लिए परमिशन मिली है, तरह से आप कहीं आपके साथ कोई चीटिंग ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉलेज की लिस्ट है। आप कॉलेज आईडी के साथ में कौन सा कॉलेज इस साल पीजी में मान्यता मिली, पहली बात तो ये चेक करें। दूसरा आप इसके बाद जो है यहाँ पर काउंसलिंग करके एक सेक्शन आया है, देख रहे हैं शशि तिवारी जी आप जी सर, कल मैंने चेक अभी किया था तो कल दिखा नहीं था। हाँ जी सर, काउंसलिंग में कमिंग सून लिखा हुआ है, तो हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी अभी जानकारी, अभी काउंसलिंग की जानकारी इन्होंने अपडेट नहीं की है। अब मैं जी आपको सर, दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे ही आपको जो मैंने वेबसाइट बताई थी UAU.ac.in, वो चेक करिएगा, UAU.ac.in, तो आप चेक करिएगा, ये सभी के लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है जानकारी। तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है, हाँ यहाँ जी पे सर, ये आएगा ऐसे ही शो हो रहा है आप कमिंग सून यहाँ पे। करके। हाँ हाँ जी सर, अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे यूएसी काउंसिल 2023-24 इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या प्रवेश की मेरिट के आधार पर ही विश्वविद्यालय द्वारा अभी केवल एक नोटिस छपा हुआ है। यहाँ पे हाँ जी सर, ये आपको सब कुछ पढ़ जो लिया है था। यहाँ पे साफ लिखा है, देखिए जो मैं आपको बात बता रहा था, कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपकी, सपोज करिए गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये रहता है कि आपको, चलो ठीक है वहाँ पे कभी कभी मेरिट में थोड़ा सा नीचे रहता है, तो हम प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले कई बार आपका एडमिशन ले लेते हैं, हमको पैसा लेना होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप डायरेक्टली किसी भी कॉलेज के बाहर ना आए, आप जो है एनसीएसएम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखें। अयोग्य छात्रों का प्रवेश निजी संस्थानों द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा निर्देशों के विपरीत अपने स्तर पर ही कभी आया था शशि तिवारी, ऐसा भी होता है कई बार वह वो धोखा दे देते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो डायरेक्ट वह नीट पीजी नीट क्वालिफाई नहीं थे, क्या करें, उनका एडमिशन ले लिया, बाद में वो ऑनरेबल कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट उनको राहत दे देता है, ये भी चक्कर रहता है। तो ऐसा ना हो, हमारे साथ ध्यान देना है, हमें
में प्रॉपर काउंसलिंग सारे स्टेट्स कराते हैं, आप स्टेट्स की काउंसलिंग में आप शामिल होइए। हमारे उत्तराखंड में जैसा मैंने बताया, यूपी में सबकी स्टेट काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग है मेरे को जहाँ तक ख्याल है मेरा कि वो सेंट्रल एजेंसी कराती है, और वो सेंट्रल एजेंसी से आप भरिए, वहाँ से स्टेट काउंसिलिंग में भी आप भाग लीजिए, और निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज जो NCERTs ऑर्गेनाइज है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो NCERTs की वेबसाइट को आप देखिए, जानकारी आपको मिलती है। उत्तराखंड में आपका एडमिशन हो जाएगा सबसे तिवारी जी, आप करना चाहें। यहाँ पे दो कॉलेजेस हैं, आप चाहें तो नोट कर लें, नाम हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ पे वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ। बात नहीं है, हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज वेबसाइट पे आपको यहाँ पे कौन कौन से विषयों में पीजी उपलब्ध है ये भी बता देता हूँ। यहाँ का जो रजिस्ट्रार है मेरा जूनियर है, तो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, कोई रजिस्ट्रार बन गए हैं, कोई जूनियर हैं। हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज करके है, वेबसाइट दिखा देता हूँ, आपको इंटरेस्ट है तो आपको आपके माध्यम से कई लोगों को जो है जानकारी मिल जाएगी। हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज वेबसाइट है, अभी आपको शेयर कर देता हूँ। ये अच्छा कॉलेज है, पंचकर्म में भी MBA है यहाँ पर, और इनके कोर्सेज में देखते हैं आप MBMS आयुर्वेदा, और यहाँ पे MBMS आयुर्वेदा रचना शरीर में है, तो आपके लिए है शरीर में है, द्रविड़ में है और पंचकर्मा में। ये यहाँ पे चार विषयों में MBA है, ये कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन चलाता है। इसका कॉलेज भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जो लोग माध्यम से जानना चाहते हैं, उनका प्राइवेट कॉलेज में उत्तराखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं। और कॉलेज है उत्तराखंड प्रांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, कॉलेज में मैंने पढ़ाया भी है, कॉलेज की भी आप साइट पे जाकर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से विषय में MBA है, आप देख सकते हैं। अभी आपको आयुर्वेदिक कॉलेज की साइट भी आपके समक्ष, यहाँ पे जो है आपको कोर्स मिल जाएगी, आपको सबकी साइट बनी हुई है, कंपलसरी है। यहाँ पे MBA आयुर्वेदा जो है, ये MBA आयुर्वेदा कौन कौन से विषय में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मौलिक सिद्धांत में 5 सीटें हैं, स्वस्थ व्रत में 5 सीटें हैं, द्रविगुण में 5 सीटें हैं, और अगर तंत्र में 5 सीटें हैं। यानी अगर आपको पंचकर्म में करना है तो सुशील तिवारी जी आप हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज में आप जा सकते हैं। नीता में करना है कि अटेंडेंस का इशू, नियम का तो होता है पर ये सब आपके आपके गाइड पर डिपेंड करता है। प्रांत में करना चाहेंगे तो आप उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज आपको MBA कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे मेरे से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। वर्षा कौशिक जी, मंगला जी, ये तो रही तिवारी जी की जानकारी चाहिए थी, तो हम शेयर कर आपकी वेबसाइट भी शेयर कर दी, आपका एनसीईआरटी भी शेयर कर दी। आज हमारे जो आयुर्वेद के बड़े दीप्यमान नक्षत्र जो आज दुनिया से चले गए, हमने उनको भी याद किया। तब हम 9 बजने वाले हैं, तो यहाँ से मेरा कार्यक्रम यहाँ भी होता है। अमृत कौर मैडम जी, आपको भी हमने दोस्त बना दिया है, कला जी भी कोच बन गई है, सुनील जी, आप में से अगर किसी को कुछ केसेस डिस्कस करने हो तो आप आज डिस्कस करें। आज हमने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और दूसरे को शेयर करी, और हमने ऐसे ही हम प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी फील्ड में अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत हो तो आयुर्वेद माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। जो लोग अभी कर चुके हैं वो तो अच्छी बात है, जो आगे प्लान कर रहे हैं उससे आप मोटिवेट होइए, और आप गवर्नमेंट जॉब में है तो अभी आप कर सकते हैं। हमारी एक आई एस दर्पण की एक गार्जियन है, तो गवर्नमेंट जॉब में होकर के बहुत अच्छे स्कोरिंग करिए, कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीट पे नहीं जाना जा सकते हैं पा रहे हैं तो आप अपना एंट्रेंस निकाल के जा सकते हैं, वहाँ से आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, यहाँ से सैलरी अगर आधी मिलेगी तो आप वहाँ से स्कॉलरशिप पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही, आपको विदा लेता हूँ। मैंने सुशील तिवारी जी आपको और बाकी लोगों को होस्ट बना दिया है, आप लोग इस संभाषा को आगे बढ़ाइए, पुनः एक बार हमारे
दिल में जो है वो प्रोफेसर राम और सिंह और प्रोफेसर जिंदर सर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यही आप लोगों से विदा धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ जी अजय जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? अजय कत्यान जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे क्या अपने आप को? किसी को कुछ शेयर करना है कुछ? हाँ जी अजय जी बोलिए जी। नमस्कार जी जी। नमस्कार। अरे मैम, हम इसी के बारे में बोल रहे थे कि हम ये बारा दोबारा से वीडियो भेजिए जाए, क्योंकि हम मतलब बोल रहे क्या मतलब? ये बारा जो वो है इस पे भी भेजा। सर बता रहे थे ना आपके बारे में, दो हाँ। मतलब ग्रुप में भेज दिया जाए जी, तो दोबारा भी हम सुन सकते हैं। अरे सर, सिंपल सी बात है, जो भी चीजें होती है उसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पर रहती ही है, क्योंकि फेसबुक पर लाइव चलता है, तो फेसबुक पर आप जब चाहे तब दोबारा सुन सकते हैं। यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। और जो ऐप है, ऐप में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, बहुत सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं। तो उसमें सर ने ये बोला कि एज ए स्टूडेंट करके ज्वाइन करना है ना, या एज ए पेरेंट समथिंग कुछ करके। तो मैंने तो बहुत पहले डाउनलोड किया था, तो चलता है उसमें भी, जितनी सारी चीजें आप देख सकते हो। जैसे उसमें समीर चंदाकनी जी सर की भी बुक्स हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। हाँ बताइए। उसमें मतलब स्टूडेंट करके ज्वाइन करना होता है, हमने पहले वो से ज्वाइन कर लिया होगा पेरेंट्स से, इसी हाँ तो वजह से कोई बात हम नहीं, वो हो अब जाएगा। हम रिमूव भी नहीं हो पा रहे। 4 बार हमने खुद कोशिश की, सर ने बताया वैसे भी कुछ, लेकिन हम इससे ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अरे तो हमने फेसबुक पर तो दोनों अवेलेबल है डॉक्टर साहब, सारी चीजें देख लो ना, जो जो वीडियो देखने हैं अभी तक, आज तक आयुष दर्पण के जितने वीडियो हैं, क्योंकि डेली लाइव चलता है, तो लाइव चलने का मतलब क्या है कि पिछला तो सारा अपलोड पड़ा ही रहेगा ना भाई। जी तब बुक्स की जहां तक रही बात, तो बुक्स की अभी चिंता मत करो। कई बार हो सकता है, अगर मान लो टेक्निकल कुछ इश्यूज आते हैं, तुरंत तुरंत नहीं हो पाता है, 2 4 दिन छोड़ करके फिर से उसमें वो कर लेना। अब बुक्स तो आपके पास पड़ी ही होंगी, और मुझे नहीं, तो वो तो मेरा सब मानना बात जहां तक है। जी। हाँ मेरा तो ये मानना है कि मतलब एग्जाम उसके बाद में हम इसको मतलब ले लें, इसमें पहुंच जाए कहाँ पहुंच जाए? इसको एडीएफ में ज्वाइन कर लें, लेकिन हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे अरे दोबारा। हो जाएंगे, कौन सी बड़ा बात है, एडीएफ के ऐप में ज्वाइन होने में कौन सा वो चीज है। वो तो जैसे और सारे ऐप होते हैं, कई बार आप सोचो, अभी जैसे मान लो कल मैं अपना रिजल्ट देख रही थी, तो आजकल कुछ भी होता है, मान लो आप पेटीएम के थ्रू टिकट भी बुक करते हो, तो नीचे कुछ लिखा रहता है ना, उसको आपको फिलअप करना होता है। तो मैंने करीब कम से कम 4 या 5 बार भरा, तब जाकर मेरा रिजल्ट सामने आया। और मुझे पता है मैं हर बार सही से ही भर रही थी, उसके बावजूद भी वो गलत कर दे रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है वो कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पर जब हम लोग भरते हैं, तो कई बार तो होता है कि जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, वो कई ऐसे लिखे होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि स्मॉल का लिखा था कि कैपिटल का लिखा था, या कुछ को कुछ ज्यादा ही जिगजैग कर देते हैं कि आप गलत लिख देते हो, बट मतलब यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा था, पर हो जाता है। वो हम कोई गलती नहीं कर रहे थे, मेन नहीं तो एक बात हम बताओ, उस ऐप से, ऐप का आप इतना परेशान क्यों हो भाई? क्या आपको चाहिए जो अभी आपको मिल नहीं पा रहा है? आप किस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो? मतलब उसमें कोई भी वीडियो हम अपने मतलब ये ग्रुप अपना बना लेंगे और वही देखेंगे, तो अलग तरीके। नहीं भाई, अलग से क्यों? देखो एडीएफ पर, मतलब एडीएफ का जो ऐप है, उस पर वीडियो वीडियो नहीं पड़े हुए हैं। जैसे सर की जो क्लासेस हैं, सर ने नाड़ी पढ़ाई है, मर्म पढ़ाई है, तो वो सब सारे आपको पेड सर्विसेज में ही हैं। एक दो फ्री में पड़ी होंगी, सारी फ्री में नहीं पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि जी आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारा चीज फ्री मिल जाएगा। हाँ बुक्स जो है, क्योंकि मैंने पहले देखा हुआ था, अभी मैं बहुत रेयर देखती हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता, क्योंकि नॉर्मली मुझे अगर वीडियो देखना होता है तो मैं फेसबुक के थ्रू देखती हूँ, और बहुत पहले मैं यूट्यूब के थ्रू देखती थी। तो जो जितने सेशन हुए हैं, वो सारे सेशन आपको फेसबुक और यूट्यूब पर मिलेंगे। जो सर की क्लासेस थी, नाड़ी की, मर्म की, या पंचकर्म की, तो उनके कुछ कुछ वीडियोस फ्री पड़े हुए हैं,
और कुछ वीडियो जो है पेड सर्विसेज में पड़े हैं, ठीक है डॉक्टर साहब? तो जो जी आप क्लासेस के मैम, लिए परेशान हो रहे हो, सारी क्लासेस फेसबुक और यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। क्लास के लिए मैम नहीं परेशान हो रहा, वो वीडियो के लिए परेशान हो रहा। वीडियो का उसमें क्या है कि अलग से कंसल्ट करके आप मंगा लो, अपने आपको ईमेल पर आ जाएगा सारा चीज, क्योंकि वहां पर भी तो आप परचेज ही करोगे। मामे करना नहीं माता। सर सर कोई टेंशन मत लो, हम भी डाउनलोड किया है, मगर अभी 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 सब कुछ फेसबुक पे अवेलेबल है, तो कोई जरूरत नहीं है उसकी भी, है मैम? हाँ जी, हाँ जी मैम, क्योंकि देखो नाड़ी मर्म और पंचकर्म की जो होंगी वो आप हाँ पेस्ट करके आप अपने उस पर ईमेल में मंगा लो, ईमेल में आपके रन हो जाएगा वीडियो। जैसे हाँ हम लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन करे थे तो हम लोग के मेल में आ गए थे, तो जब हमें देखना था, क्योंकि फ्री सारा सब कुछ थोड़ी है भाई, सारा सब कुछ फ्री आपको कर नहीं। देंगे, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि हाँ ऑनलाइन मीडिया को चलाने के लिए भी तो क्लासेस थोड़े बहुत पैसे लगते हैं ना। तो मैं समझता हूँ, क्लासेस कर लो, बेसिक्स से मालूम पड़ेगा आपको, ऐसे वीडियो देख के नहीं होगा सर। वो बहुत अच्छा पढ़ाते तो है ही। हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना शशि मैम? हाँ जी, हाँ जी मैम, मैंने सर से मर्म पढ़ा था, मैंने सर से नाड़ी पढ़ी है, मैंने सर से पंचकर्म पढ़ा था, और फिर सर और छारसूत्र सर पढ़ाएंगे तो वो भी करेंगे, बट सर की हाँ तबीयत काफी दिन तक ठीक नहीं थी, तो छारसूत्र जब शुरू करेंगे, मैंने सर को बोला ही था कि करेंगे ही, तो वो चीज तो है ही। जी मैम, थैंक यू चलिए, मैम, ठीक है। अजय जी थैंक ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। हाँ जी, तकदीर सिंह जी यू सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी मैम। हाँ जी सर, नमस्ते, बोले सर। मैंने एक रिपोर्ट डाली थी मैम, ह्यूमन एनालिसिस की थी हाँ जी, मैम, स्पेशल ह्यूमन एनालिसिस की एक रिपोर्ट डाली थी ग्रुप में। तो हाँ मैम उस पेशेंट को जो हमारे पास आया था, तब हमने उनकी रिपोर्ट करवाई थी, तो उनकी रिपोर्ट जो अब आई है ना उतनी ही थी, तो उन्होंने एक्टिव तो है हमारा, डॉक्टर साहब, 43% तो है एक्टिव। हाँ मैम, लेकिन वो उनके पत्थर वगैरह आते थे ना, वो थोड़ा उनको इश्यू था कि उनको जलन होती थी हल्की थी। हाँ तो वो तो आप दो ना शुक्र शोधन गण वगैरह साथ में। हाँ तो मैम वो मैंने दिया था मैम सब कुछ, कि वो फिर भी 2 दिन 2 बार उन्होंने फिर से रिपोर्ट कराई, पर सेम रिपोर्ट आ रही है, एक तो नंबर ऐसा का है नंबर डॉक्टर साहब, रखा हुआ देखो पहले आप एक बात बताओ, ये तो स्पर्म की बात हो गई, उनकी पाचन विकृति में क्या क्या कमी है? है मैम। पाचन शक्ति मैम उनकी पहले थोड़ी थी, तब मैंने उनका ट्रीटमेंट चलाया था, वो बिल्कुल ठीक थे जी 100% ग्रहणी दृष्टि ठीक हो गई? मैम। सर नहीं मान सकती मैं, क्यों? अगर ग्रहणी दृष्टि पूरी तरीके से ठीक हो गई तो रिपोर्ट ठीक आ जाती, पहली बात तो ये मानकर चलो। और कितना दिन ट्रीटमेंट दिया था? मैम 2 महीने हो गए हैं। नहीं, कई बार डॉक्टर साहब कहने को होता है ग्रहणी दृष्टि इतनी आसान नहीं होती है ट्रीटमेंट में ना अच्छी तरीके से, तो इसमें आप देखो, एक तो पहले पेशेंट को क्या कब्ज वब्ज रहता था पहले? कुछ नहीं मैम, मैंने पूछा था सब कुछ है, अच्छा, तो उनके उनको हिसाब बस से थोड़ा सा हल्की सी एसिडिटी का इशू था, वो भी रेगुलर बेसिस पर नहीं था, हाँ, कभी तो कभी। हल्की सी एसिडिटी थी, तो एक समझ लो जो उष्मा है पित्त की, उष्मा जब पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो वही फिर वो बनता है, मतलब कि पस बनता है, सिंपल सा बात नहीं नहीं समझो। मैम, वो तो मैम तब मैंने ट्रीटमेंट दिया था ना उनको, तो तब वो उन उसके बाद उनको अब 1 महीना हो गया था, उनको एसिडिटी कभी भी नहीं हुई। वो होता है डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि दवा का असर होता है और कई बार परहेज का असर होता है, बट अंदर से सिस्टम नहीं सॉल्व हुआ होगा, तो अभी भी मैं आपको यही बोलूंगी कि एक तो रेचक औषधि दीजिए और एक पित्त शमन की दीजिए, साथ में आप सूक्ष्म त्रिफला चला लो या त्रिफला की कोई प्रिपरेशन दो और त्रिवंग भस्म दो, ठीक है? ठीक है और मैम, नीरी वगैरह चलाना है तो नीरी वगैरह साथ में चलाओ, चाहे पुनर्नवा चलाओ, चाहे चंद्रप्रभावटी चलाओ, आपका जिस पर जी ज्यादा सर, ठीक विश्वास हो इसमें से। इसको 15 दिन दो, फिर 15 दिन बाद रिपोर्ट कराकर फिर मेरे को बताना आप, ठीक है? है मैम। हाँ, त्रिवंग के बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन त्रिवंग को देना है तो आप उसमें साथ में त्रिवंग भी डालिए, त्रिफला भी दीजिए, गिलोय भी दीजिए, ठीक है? और ठीक आपका है मैम, जो चंद्रप्रभा नीरी जिसमें से जो पसंद है ये सारी चीजें कराओ, और कहीं ना कहीं कुछ अभी भी गलत हो रहा है, या जब पेशेंट ये बोल दे कि मेरा सब कुछ ठीक है आप मत मान लिया करो, क्योंकि पेशेंट बोलता भले है, पेशेंट को बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, पूछो तो आज ही सब कुछ ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, इत्तफाकन कई बार हो जाता है कि कोई वॉशरूम यूज करके आया, फिर आप चले जाते हो, आप सामने वाले से पूछते हो स्टिकी स्टूल है,
तब वो बोलता है हाँ जी, स्टिकी स्टूल का मतलब होता है ना कितना ज्यादा आम, और मरीज सब कुछ खाता रहेगा, बोलेगा जी मुझे भूख लगता है, मेरा पेट साफ होता है, मेरा सब कुछ होता है। अरे भाई तुमको जब बढ़िया से भूख लगती, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया से, पेट साफ होता है, तो स्टिकी स्टूल क्यों है? ये कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार नहीं पता चलती। जैसे मैं एलोपैथी वालों को बोलती हूँ कि भाई कार्डियक का इशू है, ऑपरेट कर दिया, उसके बाद पेशेंट का वो आगे खबर नहीं लेती, क्योंकि वो चीज उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे हमारे यहाँ भी होता है, मरीज को खुद ही नहीं पता होता है। और कहा जाता है पुराने वैद्यों की अगर आप भाषा देखिए, और सर आपके यहाँ तो काफी लंबे टाइम से मतलब कई प्रोफेशन मतलब पुश्तों से हो रहा काम, तो आपको पता है कि जब पर भी स्पर्म में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर वो लोग पुराने वैद्य साफ साफ लिखे होते हैं कि जो कब्ज है वो मेन वजह है। क्योंकि जहां पर भी कब्ज होता है, ऐसे सिंपल सा सोचो कि कोई चीज है सिंपल से पास होती है, अगर गर्मी देते हो तो हार्ड हो जाती है। तो जिस किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसको अंदर पेट में गर्मी है एक अलग टाइप की, और जो लोअर एब्डोमेन में गर्मी होगी तो अगर वो स्टूल को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो थोड़ी बहुत यूरिन को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और इन द केस ऑफ मेल वो चीज फिर आपके स्पर्म की क्वालिटी को या सीमेन की क्वालिटी को भी अफेक्ट करती जी जी है ना? मैम, क्योंकि आयुर्वेद जी में जी बड़ा मैम, वो नहीं है, हम एलोपैथी में कर देते हैं हर ऑर्गन अलग है। आयुर्वेद का कंसेप्ट और बिल्कुल सही भी है, हर चीज जी जब जी पास मैम, पास है तो कहाँ क्या अलग हो जाएगा, है ना? जी तो जी मैम, इसीलिए पुराने जितने वैद्य होते थे, जब भी किसी को भी स्पर्म की कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप उनको देखोगे कि रेचन औषधि दबा कर देते थे, और वो बढ़िया भी रेचन कराते थे। मतलब चार चार छह छह महीने तक मैंने कई सारे वैद्यों से पर्सनली बात किया है, तो वो बोलते ही थे कि मरीज को जब आ गया तो चार छह महीने पहले तो हम रेचन कराएंगे, रिलेशनशिप बंद, बिल्कुल कोई रिलेशन वगैरह नहीं बनाना है, 6 मंथ तक बिल्कुल रखना चाहिए, ऑब्स्टिनेंस से सब सारे सिस्टम चलते हैं। क्योंकि इन द जी केस जी ऑफ इन्फेक्शन आपको पता है कि मेल से फीमेल को काउंट होगा, फीमेल से मेल को होगा, तो दोनों में जी अगर आपने मान लो मेल को ट्रीट किया है और मेल के थ्रू फीमेल को गया है रिलेशन बना, तो फिर आएगा ना प्रॉब्लम, जी मैम, तो आपके पास क्या वो रह जाएगा। और मॉडर्न वाले भी इस बात का ख्याल रखते हैं, जब कभी भी यूटीआई या कुछ भी हम लोग ट्रीट करते थे जब मैं एलोपैथी में थी, तो हमें पता है कि वहां पर हम तुरंत बोलते थे भाई एस्टेरॉइड्स रखना पड़ेगा, नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी, और दोनों को अलग अलग फ्लुकोनाजॉल चलाते हैं, अगर आपने देखा होगा। जी तो वाइफ को भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट दीजिए, है ना, उनका भी यूरिन का जी टेस्ट ठीक करवा लीजिए, देख लीजिए, और इस हिसाब से करके तब डॉक्टर साहब बताइएगा, ठीक है सर? ओके, डॉक्टर तकदीर सिंह सर को किसी और को भी गाइड करना तो प्लीज गाइड करें, कोई और सजेशन कुछ देना चाहता है उनको? चलो, और किसी को भी कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, कोई सक्सेस स्टोरी या कोई अपना अनुभव तो प्लीज शेयर करें। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर, डॉक्टर महेश कुमार प्रजापति सर, यस अनम्यूट किया आपने, नमस्ते सर, जी बताएं सर। मैम, हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे पेशेंट का भी एक पेशेंट का रिपोर्ट मेंशन किया हूँ व्हाट्सएप में, उसको सर आप फीवर और वो, जॉइंट पेन पेन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, वो मैंने देखा था। पहले आप मुझे ये बताओ, ये तो एक तरीके से आपने एलोपैथिक टाइप से कर दिया है, आप बताओ मरीज को वाकई क्या क्या तकलीफ कब से कैसे है? मैम, पांच साल से मैम उसको ज्वाइंट पेन, यही बताई नहीं, मैम पेशेंट। जो पाचन के लेवल पर क्या तकलीफ है, सब देखा आपने? नहीं मैम, पार्सन के लेवल पर तो नहीं देखा मैम, जो डॉक्टर साहब ग्रोथ पेशेंट आयुर्वेद का। के वाले हो, थोड़ा सा मतलब आयुर्वेदिक माइंडसेट से मतलब करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज हो जाएगा ना कि अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाएगी। कभी भी कोई मरीज किसी भी बीमारी का है, आप हमेशा ये उसका जरूर पूछो कि स्टूल कैसा है, यूरिन कैसा है, टंग की सिचुएशन कैसी हो, तो एटलीस्ट एकदम क्लियर कट दिख जाता है आम है कि नहीं है। और आपकी रिपोर्ट मैंने देखी तो उसमें यूरिक एसिड 4 पॉइंट समथिंग शो हो रहा है, तो आप कई बार जी सोचोगे कि अपर लिमिट तो 5.35 होता है, बट मैं आपको बता दूं कि मैम, बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं जिनको इस तरह के वातरक, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है तो वातरक के केसेस में कई सारे मरीज को जो अपर मतलब लोअर लिमिट से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो भी तकलीफ होती है। तो इसमें ऐसे केसेस में एक तो स्ट्रेस की हिस्ट्री जरूर लीजिए और फैमिली हिस्ट्री भी लीजिए, मतलब उसके दधिहाल या ननिहाल में तो पेशेंट की किसी को इस तरह की कोई गठिया उठिया टाइप की परेशानी तो नहीं है। और पाचन की विकृति पर देखोगे तो पक्का एक तो मतलब बढ़िया से आम उम की हिस्ट्री मिलेगी सर, भूख प्यास वगैरह सब कम होगा और कब्ज वगैरह सारी शिकायतें मिलेंगी। तो एक बार उन सारी चीजों को फोकस करा करो करोगे, अभी फॉर द टाइम बिंग आप शुरू करना चाहते हो तो गिलोय शुरू करो, क्योंकि वातरक्त की ड्रग ऑफ चॉइस है गिलोय, तो आप गुड़ची स्वरस के साथ शुरू करेंगे और लंघन कराइए,
और इसमें परहेज बहुत होगा, मतलब कि इफ पेशेंट इज नॉन वेजिटेरियन तो नॉनवेज आपको मना करना पड़ेगा। कोई कहते नहीं भाई मैं नॉनवेज खाऊंगा ही खाऊंगा तो नॉनवेज नहीं चलेगा, जूस पी सकते हैं, उसका मतलब सूप जो सो कॉल्ड बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यूस और मांस रस के दोनों चलते हैं, सूप पी सकता है अगर कोई इतनी बड़ी हो, अदरवाइज नॉनवेज तुरंत मतलब सारा प्रोटीन का सोर्स बंद कर देंगे, वेजिटेरियन मिल्क के अलावा सारे प्रोटीन के सोर्स यस बना रहेंगे। रात को तो भूल करके 2-3 महीने तक आप चाहते हो मेरे मतलब ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत जल्दी आया, तो तुरंत सारी दालें बंद करो, सारा प्रोटीन बंद करो, दही वही तो छूना ही नहीं है, और इस तरीके से, और भूख लगने पर ही खाना खाना है, और जो है पेट को मतलब कब्ज न रहे हो तो उस बात के लिए आप देख लीजिए कि अभयारण्य चलाना चाहते हो, त्रिफला घुंघलू देना चाहते हो, श्रीनाथ घुंघलू देना चाहते हो, आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, कैस्टर ऑयल देना चाहते हो, एरंड पाक देना चाहते हो, सब सारे काम करेंगे, आपकी मर्जी है, आप कुछ इस तरह की चीजें दीजिए, बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे, आपके परहेज से तुरंत आराम आ जाएगा। और आपको ज्यादा लगता है तो आप इसमें गर्म पानी की सिकाई भी बढ़िया काम करती है, जैसे पेशेंट को दर्द वर्द होता है, हाथों तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो उसमें दिन भर में 2-3 बार वो सेक सकते हैं बड़े आराम से, खास करके प्रॉब्लम ठंडियों में और बरसात के मौसम में ज्यादा परेशान करती है पेशेंट को, तो ये चीज ओके सर करवा सकते हो। ठीक है सर, लेकिन प्लीज एक बार थोड़ी सी इस पे और लीजिए तो आपको और बेटर गाइड कर दिया जाएगा। नहीं जिसके और मैं तो मनोवा लेके स्रोत, हम कंफर्म करते हाँ हैं। मनोवा स्रोत हाँ उसका मैम, जरूर देख लेना, हाय मैम, इसमें मनोवा मिलता है स्रोत होता है सिलोंग, वो मैम। बहुत बढ़िया। डिस्प्रेशन और किसी को भी सर को गाइड करना है? में जी सर, हाँ डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा सर, नमस्ते सर, बताएं सर, प्रणाम मैम प्रणाम। ओके मैम नमस्ते। सर, बताएं सर प्लीज। पहले तो मैम बधाई हो आपको। जी थैंक यू सर। मैम, कहाँ कॉलेज मिला अभी? अभी तो कोई कॉलेज का तो अभी डिसाइड नहीं हुआ होगा ना। नहीं सर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अब देखो कहाँ मिलता है, बस निकाल लिया है वाला, मतलब कहते नहीं है बस हो जाएगा कहीं प्राइवेट में, वो चीज वाला हालचाल है, तो पाठक सर ने कहा था फॉर्म भरने को तो भर दिया, परमात्मा की उससे थोड़ा बहुत हो गया, करने का मन था, तो इसीलिए थैंक यू सभी लोग को, और लेकिन थैंक यू। जी सर मैम, लेकिन मैम मतलब आप जहाँ रहते हो फिर हाँ, वहां से आपको रिलोकेट होना पड़ेगा ना। इसमें एक्चुअल में सर ये तो थोड़ा एक सा जब प्राइवेट कॉम्प्लिकेशन कॉलेजेस आया। में करते हो ना, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, तो क्लिनिकल पर थोड़ा सा डिपेंड करता है भाई, क्लिनिकल में तो आपको 100% अटेंडेंस चाहिए होती है, आपको पता ही है, और अभी तक का तो मेरा रिकॉर्ड रहा है, कभी ब्रेक नहीं हुआ, मतलब स्कूल टाइम से मैं इस बात को कह सकती हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि पूरे स्कूल पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा मेरी अटेंडेंस होती थी, मतलब 99.9% मेरी अटेंडेंस होती थी, मैंने शायद ही कभी छुट्टियां मारी हैं, बहुत इमरजेंसी में बीमार हुए रहेंगे तो शायद छुट्टी मारी है, अदरवाइज ना स्कूल में कभी छुट्टी मारते थे ना कभी कॉलेज में छुट्टी मारी है। ठीक है सर, बट अभी लगता है शायद वो चीजें ब्रेक हो जाएंगी, बट एक मिनिमम का कल कुछ सर लोग बता रहे थे कि कहीं पर है ना 40-50% का क्राइटेरिया है, कुछ इसको फॉलो करने की कोशिश की अच्छा, जाएगी। हाँ तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ मेरे तब भी थोड़ा आसपास हो तो या हाँ फर्क तो रहना थोड़ा तो बहुत तो पड़ेगा सर ही, थोड़ी पड़ेगा बहुत इस ही। टाइम जी नहीं। सर, आप बहुत दूर रहते हो ना, आप तो वाइजैग में रहते हो ना, विशाखापट्टनम। नहीं, वाइजेक में नहीं रहते सर, वाइजेक में मैं गई थी 7-8 महीने के लिए, क्योंकि तो मेरे हस्बैंड का वहाँ अच्छा पोस्टिंग हो गया था, मतलब तो वहाँ उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया अच्छा था, तो फिर हस्बैंड को ट्रांसफर करा कर हम फिर से चंडीगढ़ ले आए आप क्योंकि चंडीगढ़ गुजारा नहीं में हो हैं? सकता ना। हाँ तो अभी जी चंडीगढ़ जी में ही है, मतलब चंडीगढ़ में नहीं रहते एग्जैक्ट, हाँ एक्चुअली हाँ जी सेंटर उन्टर हमारे लोग का चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है जीरकपुर, तो मैं वहां रहती हूँ, तो मेरे आसपास जो भी कॉलेज होंगे 2-3 कॉलेज दिख रहे हैं मुझे जहां पर हम एडमिशन जी ले सकते हैं, तो जैसे कहीं पर है कि 3-4 घंटे की जर्नी पर है, वो चीजें तो की जा सकती है ना सर। जी बिल्कुल सही है, सही बात है हाँ मैम, तो हाँ सही है, उतना तो बहुत किया बढ़िया। जाएगा, और कॉलेज में तो कौन कितना अटेंडेंस लगाता है नॉन क्लिनिकल में, हर कोई जानता है, नहीं सही, तो आपको नॉन बट क्लिनिकल हमारा ही अभी तक होगा ना रिकॉर्ड मैम, रहा आप है सर, मतलब हमने नहीं तो 100% आपको नॉन अटेंडेंस क्लिनिकल रखी है क्यों करना हमेशा। मैम? जी सर, जी आपको नॉन क्लिनिकल क्यों करना मैम? आपका तो कॉन्फिडेंस और आपकी एक्सपीरियंस बहुत है, तो आप तो क्लिनिकल करो, आपको नहीं सर एडमिशन मिल नहीं क्लिनिकल में मिल क्या जाएगा होता ही है ना, जाएगा। देखो क्लिनिकल का एक प्रॉब्लम होगा ना कि 100% अटेंडेंस होती है, और उसका प्रॉब्लम यही होता है कि सर हम लोग की एक सर्टेन देखो एज ग्रुप है, और अभी इस उम्र में हॉस्टल में रह करके पूरा पूरा लाइफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हस्बैंड की भी हेल्थ को देखना है, घर को भी देखना है, सारी चीजें देखनी है, प्लस मेरा अपना सेटअप काफी बड़ा है, तो अपने सेटअप को लंबे टाइम तक नहीं बंद कर सकते हो ना आप, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात हाँ तो वो सारी चीजें भी देखनी है, तो इस वजह से है। अच्छा जी, नॉन क्लिनिकल बेटर है, अदरवाइज तो मेरा मन था एक जमाने में, मुझे बहुत पहले मैं गायनी में करना चाहती थी, अभी नहीं है गायनी में, हालांकि उस तरीके से इंटरेस्ट जो कॉलेज के बाद में था, फिर बाद में पंचकर्म में इंटरेस्ट अच्छा था,
और मैं करती भी चुकी हूँ पंचकर्म, तो मुझे इंटरेस्ट भी था। लेकिन मुझे पता है कि उसमें आपकी 100% अटेंडेंस चाहिए होती है, वो विदाउट 100% अटेंडेंस के काम नहीं बनेगा उसमें, और आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। अभी नॉन क्लिनिकल का सर आपको पता है कि टीचर ने थोड़ा थोड़ा गाइड कर दिया तो आप पढ़ लोगे, है ना? जी इसमें जी तो सही है। हाँ, और पाठक सर भी गाइड करेंगे, जी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पाठक सर भी संहिता से ही है। तो जो कोई भी कर सही रहा है नॉन क्लिनिकल, उसका कुछ मजबूरी होता है, ये भी तो है। है सही है, आपका बिल्कुल अपना सेटअप लंबा नहीं सही बंद बात। कर सकते हो ना। जी जी बिल्कुल सही बात, सही है जी मैम। सर। मैम ये जो ना आप थोड़ा सा हाँ बताएं, अभी इस टाइम जो वायरल चल रहा है मैम, वायरल में अपन ज्यादा कॉमनली कौन कौन से ड्रग ऐसे यूज कर सकते हैं तो फीवर को देखो, इंस्टेंटली रिड्यूस, वायरल में तो मतलब सर डाउन सबसे करें। पहला ये काम मुझे मानना है कि आप पानी को पहले दीपन पाचन की तरह दो। सबसे पहला जो हारित ने बोला हुआ है एकदम साफ साफ, हारित ने इकलौते वो तो ऐसे हैं सुंडी जो से आते उन्होंने, जल, अपन सुंडी से आते जल देते ना, तो उसमें वो नहीं अपन सुंडी यूज साधे कर चल रहे हैं। वो अकेले जल को सिद्ध करे हुए हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है, हारित संहिता पलटी है, तो हारित संहिता में यह है कि वाटर को 1/4 करना, वाटर को 1/8 करना, वाटर को 1/6 करना, ये जो कंसेप्ट है, मतलब जल को अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, चतुर्थांश अष्टांश दशमांश करके पाक जो होता है, तो वहां पर उन्होंने बोला है दीपन कब काम करेगा, कब पाचन करेगा। मैंने ग्रुप में एक दिन शेयर भी किया था, तो अगर कभी नहीं कुछ समझ में आता है, हालांकि ये चीज थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, गैस पर पानी रखकर उतना पकाना, तो वहां पर इतना तक है कि 1 लीटर पानी आपने लिया, उसको 100 ml बनाना और उस पानी को छान करके पीना पेशेंट को। तो जैसे स्किन डिसीजेस वगैरह में भी इस तरह के मैं केसेस करती हूँ, या कई सारे पेशेंट बहुत वैसे होते हैं कि मुझे नंबर ऑफ मेडिसिन कम होनी चाहिए, तो आप वहाँ जल को इटसेल्फ मेडिसिन बना लीजिए, तो ये काम करिए। और अपने शास्त्र में अगर देखेंगे तो वर्षा ऋतु में तो बोला ही है कि जल को कभी ऐसे ग्रहण नहीं करना है, जल को मतलब पका करके ही ग्रहण करना है। इस वक्त शहद बहुत बढ़िया से बोला गया है लेने के लिए वर्षा ऋतु में, तो जो आप अपनी मेडिसिन दे रहे हो अनपान के रूप में, आप शहद डाल करके दे सकते हो। और जी गिलोय स्वरस जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है, त्रिभुवन कीर्ति वगैरह तो सारे आपके जो भी चीजें हैं इस तरह की, वो सब बढ़िया काम करते ही हैं, बट सिंपल सिंपल मेजरमेंट जो है। और एक चीज है कि वर्षा ऋतु में आपको पता है कि अग्नि बहुत मंद होती है, इसीलिए धर्म शास्त्रों में भी मना होता है कि कहीं होता है कुछ लोग के एरिया में है कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये नहीं करना है, कढ़ी नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, ये सब सारी चीजों का निषेध है। बट आप देखोगे कि मार्केट में बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा लोग रोड साइड फूड खाते हैं, पकौड़े ये सब तले भुने जी खूब अच्छे से खाते हैं, अग्नि खूब मंद पड़ी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अग्नि को बढ़ाने के लिए आम पाचक आपको या कुछ इस तरह की चीजें देनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें जब सर कराओगे तो रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। तो सर की आम पाचक अगर आपके पास रखी तो आप उसे चला सकते हो, और दीपन पाचन लोमन देखोगे तो उसमें भी काम चल जाएगा सर। और चाहे आप सुंठी साधित जल दो, चाहे आप मुस्ता साधित जल दो, डिपेंड ऑन द प्रकृति आप कर सकते हो। चाहे आप जीरा साधित, जीरा धान्य साधित जल भी दे सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप पंचकोल में भी मतलब साधित करके जल दे सकते हो। और अगर किसी को थोड़ी बहुत चेस्ट की तकलीफ इस वक्त हो रही है, तो आप पुष्कर मूल से सिद्ध करके जल दे सकते हो सर। पुष्कर मूल का जो चूर्ण आता है मार्केट में, उसका साधित करके जल दे सकते हो पेशेंट को पीने के लिए। जैसे अपने यहाँ षडंग पानी है, तो षडंग पानी भी दे सकते हो, कुछ कुछ ब्रांड का बहुत बढ़िया षडंग पानी मार्केट में आ रहा है। तो ऑप्शंस तो आपके पास बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट मेन वही है कि हम जो एक चीज भूल जाते हैं कई बार, लोगों की पाचन नहीं पूछते हैं, या पेशेंट दिन भर खाता पीता रहता है अच्छे से, तो हम भी सोचते हैं, मरीज भी कई बार सोचता है जी हमारी सब कुछ ठीक है, नहीं पाचन विकृति नहीं ठीक रहती है। एक्चुअली क्या है कि जैसे किसी पेशेंट को, ये तो अपन मेडिसिन तो 100% यही सब यूज करते हैं, जनरली सब सभी लोग करते हैं क्या, लेकिन हाँ मैम जैसे फीवर इंस्टेंटली डाउन करना हो तब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि हमारी मेडिसिन चाहे हम त्रिभुवन कीर्ति ले लें, चाहे हम महासुदर्शन ले लें, कुछ भी ले लें, फीवर को वो जब तक हम जैसे आम पाचन दे रहे हैं या डाइजेशन पर काम कर रहे हैं तो उसमें एक आध दिन का तो टाइम लग ही जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं नहीं कि सर देखो, इंस्टेंटली ऐसा नहीं मिल है, गया। जब अपना कंसेप्ट अगर आप लगाते तो सबसे पहले तो लंघन जरूर लगाओ। होता गलती क्या है कि मरीज खाता रहता है, जैसे मैंने कई बार बोला, या कभी भी मेरे पास मरीज आता तो मैं पहला पूछती हूँ, अच्छा फीवर चल रहा था, रोटी खा रहे थे जी? हाँ जी रोटी खा रहे थे, तो रोटी उनकी चलती रहती है, चूंकि मैं पंजाब में, तो इसलिए मैं रोटी वर्ड यूज करती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो पहले आप देख लो खाने में क्या खा रहे हैं, मतलब बिल्कुल स्टॉप करा दो। अगर मतलब एडल्ट है ना पेशेंट, बच्चा है तो चलो ठीक है, हम पतली चीजें देंगे कुछ भी, लेकिन बड़ा आदमी है तो तुरंत बोलो कि छोड़ना ही छोड़ना है, और आप देंगे सुंठी साधे जल देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखो सर, 100 के अंदर फीवर है तब महासुदर्शन काम करेगी, आपका त्रिभुवन कीर्ति अकेले काम करेगा,
लेकिन अगर 101 के ऊपर फीवर जा रहा है तो त्रिभुवन कीर्ति अकेले काम तब नहीं होता, तब आप उसके साथ चाहे महाजोरांकुश लगा दीजिए, चाहे महामृत्युंजय लगा दीजिए, इस तरह के कुछ ना कुछ एक मतलब एक और रस औषधि का कॉम्बो दो, या नहीं तो आपके पास अवेलेबल है एफ्लोसिल फोर्ट है आप वो दो। और कभी भी फीवर को ये मत सोचो कि आज 104 था तो कल ही 100 पर आ जाएगा। तो जब हम अपनी आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं रोष औषधियां, खास करके काढ़े तो नहीं दिए जाते शुरुआत में, आपको पता है लंगनम स्विंगनम कालो या भूतिक्त को रस के हिसाब से, तो वो धीरे धीरे करके टेपर डाउन होता है और बड़े आराम से टेपर डाउन होता है। मतलब वो उसका फीवर ऐसा नहीं होता कि एक दो, एक फीवर होता है 102, उसमें पेशेंट मतलब परेशान ज्यादा नहीं होता, एक 102 में पेशेंट बहुत परेशान होता है। तो दोनों तरह की सिचुएशन देखिए, 103 में। एक्चुअली नहीं, क्या मैम, जैसे कोल्ड किसी को हुआ ना, तो वो 101 102 फीवर पे भी बहुत परेशान, बेचैनी होगी उसको, बहुत परेशानी होती है। तो अभी वो हाँ कोल्ड तो वाला ही चल रहा है, तो ऐसे ही पेशेंट हाँ रहते हैं ना। हाँ तो आपने कोल्ड के बिल्कुल केस सही में बताया आप कि तुरंत, उसके स्टार्ट में। एक तो रेचक दे दो सर, कोल्ड के केस में तुरंत रेचक दे दिया करो, और उसमें आपका महामृत्युंजय बढ़िया काम करेगा, क्योंकि महामृत्युंजय में पड़ा हुआ है लग्जेटिव मोस्ट वाली जमाल गोटा, उसमें पड़ा दंती पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आप ये अच्छा दो, अच्छा और जितने भी पीनस उनस वाले केस होते हैं आप समझ लो कि सबको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, रूट कॉज वही होता है, क्योंकि ये हमारे आयुर्वेद में तो है ही, पीनस के केस में, नेचुरोपैथी में भी मैंने पढ़ा हुआ है। और वहां पर तो मैं हॉट फूड बात कराती हूँ, तो उससे तुरंत रिजल्ट आता है। तो रोटी बंद कर दो, सिर्फ आपको लग रहा है कि पेशेंट को भूख ज्यादा लग रही है, अगर क्योंकि आजकल एक पेशेंट ये भी कंप्लेन कर रहा है, जी मुझे भूख लगती है, तो लौंग वाला पानी देना, षडंग पानी देना, डिपेंड ऑन द सिस्टम, शुंठी जल देना, और नहीं तो यूस देना तो अरहर का दाल का दो, क्योंकि अरहर की दाल का जो पानी होता है वो गर्म होता है, सिर्फ पानी देना है, हल्दी नमक डालकर पकाया हुआ, अगर अच्छा आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ड्राई कफ टाइप का है तो उसमें चाहो तो थोड़ा सा देसी घी डलवा दो, लेकिन जब देसी घी डलवा रहे हो तो थोड़ा सा त्रिकटू या पंचकुल कुछ एक आध चुटकी और डलवा करके डलवा दो, पेशेंट को पिला दो। और अगर खांसी ज्यादा आ रही तो आप ये भी कर सकते हो कि अमरूद होता है ना, अमरूद देख लेना, आजकल तो बड़ा हाँ तेजा है, उसमें भी मतलब कीड़े बड़े आ रहे हैं, अदरवाइज अमरूद को ले लिया और उसको गैस पर सेक लिया, और गैस पर सेकने के बाद में फिर उसमें हल्का सा नमक मिलाकर खिला दिया तो उसे तुरंत आराम आता है। मैंने खुद किया था, मैंने बताया भी था इस बात को, जब मुझे वाइजक में बहुत ज्यादा खांसियां आ रही थी तो मैंने यूज किया था, तो ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन आप उसमें तुरंत देखो पेशेंट का पेट साफ हो रहा नहीं है, कई सारे लोग कह देंगे जी हम कुछ खा ही नहीं रहे तो पेट कैसे साफ होगा, ये भी लॉजिक होते हैं हाँ हाँ पेशेंट सही के, बात, सही बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ठीक तो आप एक अच्छा सा बढ़िया सा है लग्जेटिव दो जो उनको उस टाइम में सूट कर जाए, ठीक है, तो सर रिजल्ट आ जाएंगे जी। और मैं उनको एक बता एक दो एक और कि थोड़ा सा एक और ये थोड़ा सा और बात पूछनी थी मैम। ये थैलेसीमिया में कुछ अपने पास रिजल्ट रहता है क्या आयुर्वेद में? सर थैलेसीमिया में पाठक सर ने बताया था रिजल्ट है, पहली बात है। दूसरी बात सर, थैलेसीमिया समझकर मत ट्रीट करो, ठीक है, आप प्लीज डिटेल हिस्ट्री निकालो, फिर उसके बाद जब ट्रीट करना शुरू करो कि पेशेंट को ये बता दो कि टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है एक तरीके से क्रोमोसोमल टाइप का डिसऑर्डर ही है ना, मतलब जेनेटिक लेवल पर जा चुकी हुई चीजें हैं, सिंपल तो है नहीं, तो उसको ट्रीट करने में टाइम लगेगा बट आ जाता है रिजल्ट, आप वो देख लो मेजर है माइनर, मैम एक्चुअली माइनर क्या भी है कि तो हम नहीं हमारे पास क्या है एक्चुअली एक आज पेरेंट्स आए थे, तो वो हमसे मतलब ऐसी बात करके केवल पूछने आए थे कि हमारे बेटे को नहीं तो थैलेसीमिया है थैलेसीमिया और मेजर हमने है कि सीएमसी माइनर है पहले बेलोर ये वगैरह बताओ, नहीं मेजर है कि ये माइनर कुछ भी है, नहीं बताया ना वो, नहीं मैम अभी कुछ नहीं तो नहीं वो चीज बताया पूछ उन्होंने, लिया करो ना और सर, ये बोला था कि माइनर वाले पेशेंट तो ऐसे ही वो टहलते कल रहते हैं क्योंकि आएंगे मैं तो आप एक बार तो पहले ये देख वो लो क्या उनकी रिपोर्ट में। एक्चुअली हाँ जी सर। रिपोर्ट मैम कल आएगी। अगर वो कल वो आएंगे तो एक्चुअली क्या है उसमें सीएमसी बेलोर से उनका इलाज चला है, काफी जगह वो दिखवा चुके तो कोई फायदा नहीं उनको हुआ, तो मैंने कहा पूछ के बताएंगे हम, थोड़ा सा ग्रुप में डिस्कस करेंगे इसमें कुछ होगा तो बात करेंगे, तो नहीं है कल आयुर्वेद वो में आएंगे तब ट्रीटमेंट, बता दो। मैंने नहीं किया है, मैं अपना सीधे बताती हूँ कि मैंने थैलेसीमिया मेजर के ट्रीटमेंट पेशेंट नहीं ट्रीट करे हैं, बट आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, पाठक सर हैं और भी बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं यही कहूंगी डॉक्टर साहब कि आयुर्वेदिक मतलब उनका जो एलोपैथी वाला जो रिपोर्ट है ना, एक तरफ पहले किनारे रख देना, रिपोर्ट किनारे रख करके उनको क्या क्या तकलीफ है वो पूछ लेना, कि होता क्या कि जब हम रिपोर्ट देख लेते हैं ना हमारा दिमाग तो सिर्फ उतना ही सोचता है, वो बंद हो जाता है सही ना, बात है। आगे आप सोच ही नहीं पाते हो। तो आप उनका ना पूरी पाचन विकृति पूछना और पूरा उनका मनोवस स्रोतस का क्या हालचाल है वो भी पूछना, अगर पॉसिबल है तो उनके घर का माहौल कैसा है, मतलब वो उस माहौल को ही पूछना, क्योंकि पांडु की जो भी बीमारियां होती है ना वहां पर स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है,
क्योंकि रुक्षता होती है। अब हो सकता है घर के खाने के माहौल में ही ऐसा हो कि घी तेल नहीं खाते रहे हो, घी तेल खाने मतलब कि सब्जी में तो लोग तेल डालते हैं, ऐसे घी बिल्कुल रूखा सूखा खाना खाते हो, स्ट्रेस में खाना खाते हो, या जब खाना खा रहे हो तब टेंशन में खाते हो। कई सारे लोग के घर में होता है ना, जब खाना खाने लगते तभी सारी दुनिया की बात उनके घरों में होती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, हाँ पेशेंट का सही डिटेल हिस्ट्री जब आप लेंगे सर, तब आपको समझ में आएगा बचपन से उनके पेट की क्या हालत थी। कभी ये मत माना करो, जैसे 40 साल का मरीज है, कहते जी मुझे भी 2-4 महीनों से पेट की तकलीफ है, वरना मैं बचपन से बड़ा ओके था। बचपन से बड़ा ओके था तो अचानक बड़ी बीमारी क्यों हो गई, अचानक इतना बड़ा आम क्यों सही आ बात गया, है ना। तो मैं तो जी सीधे कहती जी हूँ कि अगर सही आप बात 40 साल के हो तो आपके अंदर बीमारियां भी 40 साल पुरानी है, तो कम से कम 4 महीने तो मुझे दे दो, ठीक है। जी जी तो जी आप एक बार सर डिटेल जी सर हिस्ट्री लीजिएगा, फिर कर लेंगे सर, आप कर जाएंगे। वो बड़ी बड़ी ठीक बीमारी सोच करके मत ट्रीट किया करिए। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। सर। और किसी को सर को गाइड करना हो जिसका थैलेसीमिया का एक्सपीरियंस हो, वर्षा कौशिक मैम, मंगला मैम, जागीर सिंह सर, एनीबडी वांट टू गाइड हिम? यस मैम, प्रणाम नमस्ते मैम, मैम, वर्षा मैम। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी को। मेरे पास अभी एक बच्चा आया है थैलेसीमिया का, और वो है 10 साल का। उसकी इम्यूनिटी हमेशा वीक ही रहती है, वो बीमार टाइप का ही रहता था, लेकिन उसका खान पान बहुत ही गड़बड़ ही था मैम। मतलब मैंने भी उसकी अग्नि पे ही काम किया है। अब हाँ आगे मैम, चल के रिजल्ट जो भी रहे, उसका 35% जो आया भी नहीं है। रिजल्ट अच्छा रहेगा, पहले तो शुभ बोलो, अदरवाइज नहीं लेना। जब हम शुभ बोलते हैं, एक्चुअल में उसका हाँ तो फर्क शुभ पड़ता ही है, होता है जी। हाँ एस्ट्रोलॉजी हाँ का जी मैम, कंसेप्ट है कि अगर आप कोई चीज अच्छे मुहूर्त में जी करते हो तो जैसे ऑस्पिशियस है, तो इसी तरीके से जब हम ऑस्पिशियस बोलते भी हैं तो उसका अच्छा था। क्योंकि आपने जी देखो मैम, आपको सीधा मिल गया कि इम्यूनिटी कमजोर था, खान पान खराब था, हाँ और जब आप ये काम करना शुरू करोगे, 10 साल का बच्चा है मैम, आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है टाइम भले लगे, मैं बस इतना कह सकती हूँ, आपको रिजल्ट दस मिलेगा साल का श्योर। बच्चा जी हाँ मैम, मैम, हो वो जाएगा। मतलब उसको हमेशा बार बार उसको सर्दी खांसी बुखार हो और बना ही रहता था। उसके घर में तो लोगों को ये लगता था कि जादू टोना कर दिया है, दो तीन जगह झाड़ फूंक भी करवाया है वो लोग। कोई बात नहीं मैम, करवाने दिया करी, जानती है मैं आपको बता रही हूँ, कहते थे, मैं उस जी बात को मानती भी हूँ आयुर्वेद के होने के नाते, कि जब इंसान जी बीमार होता तो उसको दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए। दोनों तो चीज अगर जी मैम, आपका दिल गवाही देता कि मुझे यहाँ झाड़ फूक कराना, वहां झाड़ फूक कराना, मैं कहती हूँ जहां जाना है वहां वहां चले जाओ, जितने मंदिर जी मस्जिद जाने वो भी चले जाओ, क्योंकि भाई आपको आस्था आपकी सुकून हमेशा देती है, तो बात है, परमात्मा की चीज कभी गलत नहीं होती है, एक तरीके से मान लो जी इस चीजें, तो वो करवाने दीजिए। बट आप अपना जी ट्रीटमेंट करिए, मतलब वही है दीपन पाचन लोमन वाला, और स्वर्ण प्राशन मैम कराइए, स्वर्ण, और पॉसिबल हो ना तो हाँ स्वर्ण स्वर्ण साधित भी। प्राशन डेली डेली हाँ, और स्वर्ण तो नहीं साधित ले रहे हैं जल वो लोग। दिलवाइए। अच्छा जी हाँ, स्वर्ण साधित जल में तो कुछ नहीं है, घर की कोई भी हाँ, अंगूठी उठी हो उसको बोलो अच्छे से लेकिन वॉश कर ले 20 मिनट। उसमें प्लेन होनी चाहिए ना, प्लेन सोने की, या फिर उसमें कंकड़ मैम वगैरह कुछ लगा मीनाकारी हुआ? बस नहीं होनी चाहिए, मीनाकारी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो उस पर कलर्ड नहीं कर रहे होते हैं, या कोई स्टोन नहीं होना हाँ चाहिए, क्योंकि स्टोन को पता ही है कि अच्छा आप पानी में उबाल नहीं सकते 20 मिनट। तो सिंपल सा जी कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी हो, चेन भी चलेगी, रिंग हाँ ज्यादा इजी होती है उसको भाई निकाला कर लिया, तो घर की अगर कोई पुरानी भी सोने की रिंग पड़ी हुई है अच्छे से वॉश कर लो, जैसे जो खराब फिर हो जाती है तो फिर इंसान नहीं पहनता हाँ है, हाँ नहीं फिर पहनता लोग जी मैम। चेंज करते हैं, तो गोल्ड तो रह गया, तो उसमें जब उबालेंगे ना तो वो अंदर थोड़ा थोड़ा गोल्ड बच्चे को जाएगा, या किसी भी इंसान को जाएगा, तो उससे क्या होगा, इम्यूनिटी जी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गोल्ड जो होता है रिजुनेशन का काम करता है जी ना। और साथ में स्वर्ण प्राशन और दीपन पाचन लोमन कराइए मैम, आ जाएगा रिजल्ट, और टाइम जी टाइम थैंक पर आप अपना हर यू 15 दिन पर असेसमेंट लीजिए। थैंक यू मैम। और भी मैं कुछ नेचुरोपैथी का देखूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, और मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं है, वैसे तो उसमें मेन वही सारे कराते हैं भाई, बात कराते हैं और डाइट के चेंजेस होते हैं, और मेन यही है जो आपका प्राणायाम वाला पार्ट होता है, मतलब वो सब सारे दिनचर्या फॉलो करना, मतलब रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, हेल्दी फूड खाना, तो हमारा आयुर्वेद भी सारी चीजों को बोलता है, तो वो सब मैं फॉलो कराएंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट आ जाएगा। और पेरेंट्स को बोल देना है कि भाई इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये बहुत अंदर की बीमारी होती है, ये मत सोचो कि 10 साल का बच्चा है तो अभी बीमारी हुई है, मतलब ये सब जो काउंसलिंग करना हो वो आप कर लीजिएगा, है ना मैम, जी फिर मैम, शेयर करिएगा मैम। जी मैम, जी थैंक यू मैम। मैम। मुझे एक और केस पूछना था हाँ मैम बोले मैम। मैम। एक गायनी का है, 46-47+ है वो लेडी, और उनको अभी कुछ महीनों से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। वो एलोपैथी का ले रही है, हार्मोनल टेबलेट्स लेती हैं, लेकिन मतलब बंद करने के लिए वो टेबलेट को लेती हैं, और वो कुछ दिन के लिए बंद होता है और टेबलेट चलती रहती है कंटिन्यू, फिर
तो मैम आप ब्लीडिंग अपने स्टार्ट हो हिसाब गई से है ट्रीट करो बोलते ना उसको। हाँ हैं, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मैंने तो वो हेलो, मुझसे ट्रीटमेंट नहीं ले रही हैं अभी, मतलब उन लोग का क्या, थोड़ा सा पता नहीं क्या है, थोड़ा उनको। हेलो, यस सर, हेलो हाँ मैम वो आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही थी, नेटवर्क का इश्यू हेलो। होगा। हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी वर्षा मैम। हाँ, उनके यहाँ जी मैम, उनकी ना खुद की मेडिकल है, तो वो लोग पता नहीं क्यों ट्रीटमेंट अपन से नहीं लेना चाहते, और लेंगे भी ना तो सिर्फ उनको ये है कि पूरा लिख के बस दे दो, हो गया। तो ठीक है, पूरा लिख कर दे दो, फिर दबाकर बढ़िया बढ़िया मेडिसिन लिख दो जो ये लोग मतलब इस तरह का वो करते हैं, क्योंकि तो कभी ये काम नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर एक जी निर्णय डॉक्टर का भी ऋण होता है, धनवंतरी भाग वाला हिसाब का। तो ऐसे पेशेंट को भी आप जी मेडिसिन बड़े आराम से कुछ चूर्ण वगैरह चला दीजिए, उसमें आ जाएंगे रिजल्ट, आ जाएगा। शुगर रेस्ट भी आप दे सकती हैं, इधर में एक ब्रांड चलती है रायपुर वगैरह साइड में, नारी संजीवनी, उसमें मैंने देखा सारे तरह कषाय रस वाले हैं। आप उस तरह की हाँ कुछ भी कषाय रस का दीजिए, लेकिन एक बार जरा पूछ लीजिए कि जो जी मतलब ब्लड निकलता है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है ना कि शुद्ध जो आर्तो होगा अगर गर्म पानी से धोया जाए तो निकल जाता है ना, तो जी ये बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। अगर कपड़े पर दाग जी लगा है और धोने से नहीं जा रहा है तो समझ लो अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त जा रहा है तो अशुद्ध रक्त को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो एक बार ये पूरी उनकी डिटेल हिस्ट्री ले लीजिए, और फिर बोलिए कि ट्रीटमेंट हम करेंगे, लेकिन चलना आपको हमारे हिसाब से पड़ेगा, क्योंकि भिषक वैश्य अगर नहीं है तो फिर ट्रीटमेंट में रिजल्ट नहीं आएगा मैम। मेनोपॉजल चेंजेस होंगे, एक बार जी अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सारी चीजें करा लीजिए, सब कुछ कराकर फिर हाथ लगाइए। अल्ट्रासाउंड उन्होंने यहीं पे लोकल कराया है, तो उसमें कुछ खास ऐसे कुछ नहीं आया है गड़बड़। नहीं मैम, कई बार अल्ट्रासाउंड वाले बहुत मनमानी करते हैं, मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है, हाँ इसलिए मैं कई बार टीवीएस लिखती हूँ। टीवीएस में भी अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, 2-4 मिनट के अंदर पेशेंट को निपटा देते हैं। ऐसे केसेस में आप जहां से टेस्ट कराई होती है ना, आप उस बंदे को डायरेक्ट कॉल जी करिए कि सर मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम है, मैंने तो बोला है कि पेशेंट को ये तकलीफ है, आपने रिपोर्ट नॉर्मल कैसे दी है? तब वो बोलते हैं मैम पेशेंट को दोबारा भेजो। मैं तो बोल देती हूँ, क्योंकि जब पेशेंट की जी तकलीफ लंबी दिख रही है तो आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रहे इट मीन्स कि कई बार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आधी समझ लो फर्जी होती है। ये भी मैं बता दूं मैम, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता यहाँ है। पे इन लोगों ने अपने ट्रस्ट पे दिखाया है, वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो डॉक्टर मतलब मेल है, और वही खुद अपना यूएसजी करते हैं, तो उन्हीं के यहाँ करवा के आए हैं, और नहीं उनसे तो उनने कोई बात ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उनने उनको। सिर्फ एक यूट्राइन, जी मैम, ईव केयर बस दे दी, हो गया, बस उसी को पीओ बोल दिया। नहीं, वो पुराने जो होते थे ना गायनी की प्रैक्टिस करते थे, वो एक ट्राइन टॉनिक ही लिखते थे। आपको अच्छी तरीके से पता है कि मेनोपॉजल एज के आसपास है और ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो पता ही है पेशेंट को, और भी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। और हैवी ब्लीडिंग का ऐसा नहीं होता, सिर्फ वीकनेस ही होती है भाई। ये लेडी है तो आप समझ सकते हो कि और क्या क्या रैशेज होना, ये सब भी बहुत बड़ा हेडेक होता है, खास करके बरसात का मौसम है ना। तो एक बार आप उनको बैठा लो, अपनी अच्छे से दबाकर फीस ले लो, ऐसे लोगों से फीस जरूर ले लेनी चाहिए, और फिर उनसे बात करो, कन्विंस रहे तो ट्रीटमेंट करो, नहीं कन्विंस हो तो मैम नहीं करो। वरना तो आपको पता ही है कि अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही तो कषाय रस की औषधियां देंगे आप, तो स्तंभक दवाएं दे देंगे तो काम चल जाएगा। उसमें आपके पास में बहुत सारी प्रिपरेशन, आप दुर्वा की भी प्रिपरेशन दे सकते हो, आप वसा वगैरह भी सारी चीजें चला सकते हो। तो एक बार प्रेमोती तिवारी भी ऐसे केसेस फीस में नहीं पलट ले लिया सकती करिए, ना मैम, वही तो बात है। हाँ हाँ मैम, बिल्कुल। तो अपनी दवा के थ्रू ले लो, और क्या करोगे। दवाई तो नहीं ले रही है, वही तो दिक्कत छोड़ दो मैम, कुछ फीस कुछ केसेस एक्चुअली ऐसे यहाँ रहते तो पे छोड़ देना चाहिए। अब मेरे एक पेशेंट है, मैं उससे जैसे फीस नहीं लेती हूँ। मैंने इस बार उसको बहुत हल्की दवाएं दी, क्योंकि मेरे नॉन की है, तो उसमें भी मैंने बोला 15 दिन बाद हाँ आना, तो 2 महीने बाद आएगी। मैंने कहा ठीक है, वो झेलती रहती है, जब ज्यादा उसका बढ़ जाता है तब मेरे पास आकर बोले कि मैम मुझे सिर्फ आपकी दवा हाँ फायदा करती है। अब मुझे मालूम है वो लोग कुछ कुछ मनमानी करते जी रहते, तब क्या करोगे, ऐसे लोग को छोड़ दिया जाता है मैम। तो जी अभी टाइम हो गया तो बंद किया जाए मैम। ठीक चलिए, हाँ प्रणाम हाँ सभी जी को, कल मैम, मिलते हैं। शुभ रात्रि आप ओके, सभी गुड को। नाइट शुभरात्रि जी सभी को। चलिए इंडो ऑप्शन नहीं आ रहा जी। थैंक यू।